टर्निंग ऑर्डिनरी फोटो टू सिनेमैटिक लुक। सो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप अपने ऑर्डिनरी नॉर्मल फोटो को सिनेमैटिक लुक कैसे दे सकते हो, आप अपने फोटो को एनहांस कैसे कर सकते हो, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एज यूजुअल हमारे वीडियो में पासवर्ड रहेगा जिसकी मदद से आप जो है प्रीसेट डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो काफी छोटा होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाते हैं हमारे फोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे हम बैकग्राउंड का एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जाएंगे फिल्टर्स के अंदर, कैमरा और फिल्टर। सो प्रीसेट मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, सो अभी हमें यहाँ एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। खाली हम थ्री डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे लोड सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये जो है प्रीसेट मैंने बना के रखा है, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। सो देख सकते हो आप एक ही क्लिक में फोटो हमारा ऐसा एडिट हुआ है। सो ये सारी सेटिंग्स है जो मैंने इस प्रीसेट को क्रिएट करने के लिए की है, ओके। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो अपने फ़ोटो के हिसाब से। और यहाँ पे कैलिब्रेशन के अंदर देख सकते हो आप पूरा सेटिंग मैंने इस तरीके का किया है। सो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा फ़ोटो में और फिल लाने के लिए हम मास्किंग का यूज़ करेंगे। सो अभी यहाँ पे मास्किंग के अंदर हमको जाना है और यहाँ पे रेडायल ग्रेडियंट पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है इस तरह से, और इस सर्कल को हमें थोड़ा सा रोटेट करना है, ठीक है। थोड़ा इसका साइज़ बढ़ाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें ऐसा दिखाना है कि थोड़ा सा बाहर से अंदर थोड़ा ऐसा लाइट आ रहा है, इस टाइप का हमें थोड़ा सा फील लाना है फ़ोटो के अंदर। तो हमें क्या करना है इसके लिए, हमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरिटी थोड़ा सा कम, टेक्स्चर भी कम कर देंगे, ओके। डियाज़ को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर वाइट को थोड़ा सा बढ़ाना है, और देख सकते हो अभी थोड़ा वाइट टोन उसमें ऐड हो चुका है। यहाँ पे टेम्परेचर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा ब्लू टोन चाहिए तो टेम्परेचर आप माइनस रख सकते हो, और थोड़ा येलो टोन चाहिए तो आप थोड़ा इसको इंक्रीज़ कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। सो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देख के हम टोन को एडजस्ट कर लेते। सो दैट्स इट, ये हो गया, थोड़ा सा लाइट का फील हमने फ़ोटो के अंदर ऐड किया। आपके फ़ोटो के हिसाब से आप लाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो हिट ओके बटन, देन देख सकते हो दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। सो अभी हम इस फोटो में क्या कर सकते हैं, सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट ऐड करेंगे। फिर से एक डुप्लीकेट लेयर, यहाँ पे ब्लर इस लेयर को नाम देते हैं हम। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, इतना पोर्शन हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर में जाके ब्लर के अंदर गॉशियन ब्लर, साइज़ हमें रखना है 4.0, देन ओके। जो एजेस दिख रहे हैं वो हमें इरेजर की हेल्प से निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, ओके दैट्स इट। सो देख सकते हो अभी आप विदाउट ब्लर का इमेज, ये ब्लर का इमेज थोड़ा सा फिल आ चुका है। आप इसको थोड़ा ओपेसिटी कम ज़्यादा करके आपके हिसाब से आप ब्लर सेट कर सकते हो। सो इतना मुझे परफेक्ट लग रहा है, ओके नेचुरल लग रहा है अभी ये। सो हम करेंगे मर्ज डाउन, सो ये दोनों लेयर मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद हम फिर से एक लेयर डालेंगे, इसमें एक डुप्लीकेट लेयर ऐड करेंगे। उसके बाद इमेज में जाके एट अ टोन हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। सो ये क्या करेगा, जो थोड़ा सा फ़ोटो में उसको जो फोटोशॉप को लगता है वो उसमें कलर थोड़ा इनहांस करेगा। इसके बाद थोड़ा सा फिल लाने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेंगे, एक एम्प्टी लेयर डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके हम लिखेंगे ब्राइड का नाम। ओके ये हो गया ब्राइड का नाम, इसको थोड़ा रिसाइज करते कंट्रोल टी करके यहाँ पे ब्राइड का नाम डालेंगे, ठीक है। और यहाँ ऊपर एक छोटे से साइज़ में ब्राइड लिखेंगे, ओके इसका साइज़ करेंगे छोटा और इसको एडजस्ट करेंगे ब्राइड के नाम के ऊपर, ओके। सो इसका कलर जो है अभी हम चेंज करेंगे, जो फोटो के कलर के कॉन्ट्रास्ट से मैच होना चाहिए इस टाइप का हम कलर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम कलर टूल पे क्लिक करेंगे और जो नेम डाला है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो इस डॉट की मदद से। सो ये मैंने कलर पिक किया, थोड़ा इसको थोड़ा लाइट में लेके जाते हैं, हिट ओके, देन देख सकते हो आप कलर थोड़ा इस टाइप का हो चुका है। सो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर नया आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।
ऐसे नए नए कंटेंट्स देखने के लिए। हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।